नमस्कार, वेलकम टू मेड इन असम। और आज मैं आप लोगों के लिए इस मशीन का रिव्यू करूंगा। यह है इंको कंपनी का बेंच ड्रिल मशीन और आज से लगभग एक साल पहले मैंने इसको खरीदा था और एक साल से इसको यूज कर रहा हूं। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या खूबी है, क्या खराबी है और ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस मशीन का स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। यह मशीन सिंगल फेज 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक चल जाएगा और इसका हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज। यह 60 हर्ट्ज पे नहीं चलेगा और कोई इशू नहीं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में 50 हर्ट्ज ही मिलता है। और इसका पावर है 350 वाट और इसका जो साक साइज है यह है 13 mm या हाफ इंच। और इसका जो वेट है वो 16 kg है। और इसका बेस साइज है जो ये है, इसको बेस बोलते हैं, इसका बेस साइज है 291 mm, मतलब इसका लेंथ है 291 mm और इसका चौड़ाई है 183 mm, ठीक है। और इसका टेबल साइज है 160 × 160 mm, ठीक है। ये मतलब स्क्वायर शेप में है, ठीक है। और इस मशीन में एक स्पेशल स्विच आता है। ये स्विच अगर आप ऊपर करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगा, अगर इसको आप ऐसे रिमूव कर लेंगे तो मशीन लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है। और इस मशीन में एक सेफ गार्ड आता है और यहाँ पर फीड रॉड आता है, वो टूट गया तो इसका क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो ये है मशीन, इसका ये हैंडल है और यहाँ पर है पुली, 5-step pulley, ठीक है। तो सबसे कम स्पीड यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर 580 rpm का स्पीड मिलेगा। इस पुली पर आपको मिलेगा 850 rpm, इस पर मिलेगा 1220 rpm, इस पर मिलेगा 1650, इस पर मिलेगा 2650, ठीक है। तो ये डुअल पुली है और इसका मोटर है 350 वाट का। और ये इसका बेल्ट है जिसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप इसका जो वेस्ट है, इसका वेस्ट बहुत निकलता है, मतलब ये जल्दी घिस जाता है। इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसीलिए अब तक एक साल से यही बेल्ट में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी वर्क करेंगे तो ये जल्द ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस मशीन में आप मिलता है हाफ HP का मोटर मिलता है, लेकिन पावर उतना नहीं है। आप हाफ इंच का ड्रिल बिट यूज़ करेंगे तो तभी आपको लैक ऑफ पावर महसूस होगा। और इसका जो बेड है तो इसमें एक प्रॉब्लम है, जब आप ज़्यादा फीड देंगे, मतलब जब आप हैंडल से फीड देंगे तो इसका बेड थोड़ा टिल्ट हो जाता है नीचे, तो इससे आपका एक्यूरेसी खराब हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ये टूट ही जाएगा, लेकिन अब तक तो टूटा नहीं। अगर टूटेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें एक और प्रॉब्लम आया है मुझे, इसका जो रैक है, मतलब रैक यहाँ पर होता है, तो इसका जो रैक है वो टूट चुका है, मतलब कुछ टीथ उसका टूट चुका है और मुझे उसको रिपेयर करके फिर सेट करना पड़ा। तो ये एक प्रॉब्लम है। और ये मशीन बहुत वाइब्रेट करता है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करता है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना वाइब्रेट करता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक अच्छा चीज़ मिलता है, ये वाला मैकेनिज्म, तो आपको बेल्ट टाइट करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हॉबी वर्क के लिए लीजिए, ज़्यादा हेवी काम के लिए मत लीजिए। आप पतले पतले पाइप, प्लास्टिक, वुड, यहाँ पर ही आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर इस पे आप होल्स भी लगा दें तो ये वुड पर भी जब होल करेगा तब भी ये मशीन रुक जाएगा, इसका पावर बहुत कम है, ये उतना हेवी वर्क के लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आप एक्सपर्ट है तो आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि
जब आप फीड देंगे तो फीड के हिसाब से भी मशीन प्रॉपरली काम करेगा। अगर आप ज़्यादा फीड देंगे तो मशीन जल्दी रुक जाएगा, लेकिन ये हेवी वर्क के लिए नहीं आया है। और इसको लिए एक साल पहले मैंने लिया था, तो इसमें रैक टूट गया, इसका जो सेफ्टी वो था वो भी टूट गया, और इसका जो वायर है वो अच्छा है, इसका मोटर का वाइंडिंग भी कॉपर में है शायद, लेकिन इस मशीन में आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलेगा, मतलब मोटर का भी नहीं मिलेगा। लेकिन इनको एक अच्छा कंपनी है, मैंने इसको लगभग 8,000 रुपीज़ में ख़रीदा था, और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हॉबी वर्क के लिए ख़रीदे, हेवी वर्क के लिए मत ख़रीदना। अगर आपको हेवी वर्क के लिए चाहिए तो इससे थोड़ा महंगा वाला आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा ड्रिल मशीन चाहिए हाफ HP का भी लीजिए, आपको ये देखना है कि उस मोटर में 2 कैपेसिटर है या नहीं। अगर उस मोटर में 2 कैपेसिटर होगा तो उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा। और यही है आज का रिव्यू। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।